Hello everyone. Today we are going to discuss about analog and digital signals. जो टॉपिक्स हम यहाँ कवर करने वाले हैं वो हैं एनालॉग सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, डिजिटल सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, एनालॉग वर्सेस डिजिटल सिग्नल्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिजिटल सिग्नल्स, डिजिटाइजेशन प्रोसेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ डिजिटल सिस्टम्स। एनालॉग सिग्नल्स एंड सिस्टम्स क्या होते हैं? एनालॉग सिग्नल्स आर कंटिन्यूअस इन नेचर एंड इनकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकती हैं। जब भी हम इसको वैल्यू एंड टाइम के ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे ये एज ए साइन कर्व होगा। एनालॉग सिस्टम्स वो सिस्टम्स होते हैं जो एनालॉग सिग्नल्स को प्रोसेस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑडियो एम्पलीफायर। डिजिटल सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, डिजिटल सिग्नल्स आर दो सिग्नल्स विच कैन टेक ओनली डिस्क्रीट वैल्यूज, जैसे कि 0 एंड 1। लॉजिक 1 इज हाई लेवल एंड लॉजिक 0 इज लो लेवल। जब भी हम इसको एम्पलीट्यूड एंड टाइम के ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे ये एज ए स्क्वेयर वेव होगा, लाइक दिस। डिजिटल सिस्टम्स वो सिस्टम्स होते हैं जो डिजिटल सिग्नल्स को प्रोसेस करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर। एनालॉग वर्सेस डिजिटल सिग्नल्स, एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं? एनालॉग सिग्नल्स कंटिन्यूअस इन नेचर होते हैं लेकिन डिजिटल सिग्नल्स आर डिस्क्रीट इन नेचर। एनालॉग सिग्नल्स की इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकती हैं लेकिन डिजिटल सिग्नल्स की सिर्फ फिक्स नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं। एनालॉग सिग्नल्स एक साइन वेव की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि लाइक दिस, एंड डिजिटल सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ स्क्वेयर वेव, लाइक दिस। एनालॉग सिग्नल्स के ट्रांसमिशन में लेस बैंडविड्थ लगती है लेकिन डिजिटल सिग्नल्स के ट्रांसमिशन में कंपैरेटिवली लार्जर बैंडविड्थ लगती है। एनालॉग सिग्नल्स की प्रोसेसिंग एंड ट्रांसमिशन इज मोर प्रोन टू नॉइस लेकिन डिजिटल सिग्नल्स आर लेस प्रोन टू नॉइस। एनालॉग सिग्नल्स वेव की फॉर्म में स्टोर होते हैं लेकिन डिजिटल सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, लाइक 0 एंड 1। एनालॉग सिग्नल्स पे जो डिवाइसेस बेस्ड होते हैं दोज आर लेस फ्लेक्सिबल इन कंपैरिजन टू डिवाइसेस बेस्ड ऑन डिजिटल सिग्नल्स। जो भी इंस्ट्रूमेंट्स एनालॉग सिग्नल्स पे बेस्ड होते हैं दे कैन गिव ऑब्जर्वेशनल एरर्स, लेकिन डिजिटल सिग्नल्स पे बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स ऑब्जर्वेशनल एरर से फ्री होते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल सिग्नल्स? डिजिटल सिग्नल्स के काफी एडवांटेजेस हैं, लाइक स्टोरेज, इफेक्ट ऑफ नॉइस, रिलायबिलिटी, डिजाइन, ऑब्जर्वेशनल एरर एंड इजी टू यूज। स्टोरेज, किसी भी इंफॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म में स्टोर करना काफी इजी है इन कंपैरिजन टू एनालॉग फॉर्म। इफेक्ट ऑफ नॉइस, डिजिटल सिग्नल्स में इफेक्ट ऑफ नॉइस कम होता है इन कंपैरिजन टू एनालॉग सिग्नल्स। रिलायबिलिटी, डिजिटल सिस्टम्स ज़्यादा रिलायबल होते हैं एनालॉग सिस्टम्स के कंपैरिजन में। डिजाइन, जब भी हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स लॉजिक को डिजाइन करना होता है उसे डिजिटल फॉर्म में डिजाइन करना ईजी होता है इन कंपेरिजन टू एनालॉग फॉर्म। ऑब्जर्वेशनल एरर, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स are free from observational error such as parallax and approximation error. Easy to use, digital system ko use karna easy hota hai in comparison to analog system. Digital systems ke kya kya disadvantages hain? Like bandwidth, complexity and synchronization. Bandwidth, digital systems ko zyada bandwidth chahiye in comparison to analog systems. कॉम्प्लेक्सिटी, डिजिटल सिस्टम्स ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं एनालॉग सिस्टम्स के कंपैरिजन में। सिंक्रोनाइजेशन, किसी भी सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए, किसी भी डिजिटल सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम सिंक्रोनाइज होना चाहिए। डिजिटाइजेशन प्रोसेस क्या होता है? इट्स ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इंफॉर्मेशन इंटू डिजिटल फॉर्मेट, किसी भी इंफॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी?
बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वांटिटीज एनालॉग होती हैं और उनका स्टोरिंग प्रोसेसिंग एंड ट्रांसमिशन डिजिटल फॉर्म में इजी और रिलायबल होता है इन कंपैरिजन टू एनालॉग फॉर्मेट। डिजिटल सिस्टम्स के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं? व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ डिजिटल सिस्टम्स? लाइक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, वायर्ड एंड वायरलेस कम्युनिकेशन, वीडियो एंड इमेज प्रोसेसिंग, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि अल्ट्रासाउंड मशीन, एक्सरे मशीन्स एक्सेट्रा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लाइक DBMS यूज्ड इन ऑफिसेस, बैंक्स एक्सेट्रा। दैट वाज ऑल ऑन एनालॉग एंड डिजिटल सिस्टम्स। प्लीज स्टे कनेक्टेड टू आवर चैनल टू गेट मोर अपडेट्स ऑन वेरियस टॉपिक्स। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।